तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर जो जो था ग्वालियर में हुआ। तो इसके आंसर्स हम आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था। जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा की इलेक्शंस लड़ने के लिए सबसे कम मिनिमम उम्र कितनी चाहिए। तो सबसे मिनिमम उम्र है 25 साल। 25 साल कम से कम कोई बंदा होना चाहिए, अगर फिर वो जाके लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस लेखक के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, इनका नाम ही है चैटर्जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये दोनों एक ही हैं। याद रखिए ये दोस्तों, दोनों एक ही हैं। और दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने लिखा था हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, जन गण मन। सो ये लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जन गण मन राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी, और हमारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान आंसर है ये, विश्वनाथन आनंद हमारे भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत सारे शतरंज के वर्ल्ड कप्स भी जीते हैं। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये तो सब बच्चों को ही पता है होगा कि कौन सी कंट्री की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, वो है चाइना, हमारा बहुत ही बड़ा राइवल, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा राइवल। सो उसके बाद ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में हम आते हैं बच्चों, सेकंड पे आते हैं हम। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आगे आगे बढ़ते हुए। विजय घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जी हाँ दोस्तों, किस स्टेट में है विजय घाट। विजय घाट है जी दोस्तों दिल्ली में। दोस्तों ये है दिल्ली में। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। 1971 वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉज फॉट बिटवीन विच ऑल कंट्रीज। हाँ जी, किन दो कंट्रीज के बीच में ये वॉर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये 1971, अभी तक देश ने, बट ये पहले मैं आंसर बता दूँ, इसके साथ रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको साथ से साथ बताता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1971 का वॉर था ये, और ये इंडिया ने विन किया था, जिससे क्या बना था, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, इससे बांग्लादेश बना था। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन मून, चूज द करेक्ट आंसर। चांद पर पहले बार जाने वाला व्यक्ति कौन था, सही विकल्प चुने। जी हाँ, चांद पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, ये था नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, भारत का पहला व्यक्ति जो गया था चांद पे, वो था अंतरिक्ष में गया था जो कह सकते हैं, या चांद पे गया था वो थे डॉक्टर राकेश, स्क्वाड्रन लीडर, सॉरी राकेश शर्मा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी गए थे सबसे पहले चांद पे, अंतरिक्ष में, भारत की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डायटी। जी हाँ, किस देव हिंदू देवता की
से संबंधित है, सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ही इसका आंसर है, पुरी की यात्रा या रथ यात्रा, जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी, पूरा नाम है जगन्नाथपुरी, तो उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, जो है कि एक बार थोड़ा सा वाइड कर दूंगा आपको, सो पढ़ने में आसानी होगी सबको। बिजली का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। सो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पेसमेकर इज एसोसिएटेड विद डैश, पेसमेकर डैश से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पेसमेकर उन मरीजों को डाला जाता है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हृदय गति को नियंत्रित करने में काम आता है, ठीक है, और किडनी के लिए नेफ्रोलॉजी होती है। तो ये आंसर है हृदय, हृदय के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आएगा वो है द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, 545 की स्ट्रेंथ है मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट बाघ संरक्षण डैश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मेलघाट है महाराष्ट्र अमरावती में, अमरावती, जी हाँ दोस्तों, अमरावती में है, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डैश इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। लंदन है यूके की, ये है यूके, मॉस्को है रशिया, और न्यूयॉर्क है संबंधित है यूएसए से। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन इन इन स्पेस, सो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय? दोस्तों चल देखिए, हमने ये आंसर आपको पहले ही बता दिया था, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था डॉक्टर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर, सॉरी मेरे मुंह से बार बार डॉक्टर निकलते हैं, बट ये थे हमारी ये वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर वायुसेना में कार्यरत थे उस टाइम पे जब ये अंतरिक्ष में गए थे, और वहाँ से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि हमारा इंडिया वहाँ से कैसा दिखता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट साइंस का सेक्शन आ गया है दोस्तों, इस साइंस के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है दृष्टि भ्रम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दृष्टि भ्रम विच इज ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं मिराज को, मृग तृणा तृष्णा, मृग तृष्णा मिराज, मिराज इफेक्ट इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रेगिस्तान में जब हमें दूरी पे कुछ पानी का भ्रम होता है उसको बोलते हैं मिराज इफेक्ट। सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है, सबसे कम घनत्व वाला तरल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे कम घनत्व वाला तरल है पेट्रोल, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, जब जहाँ पे पानी खड़ा हो वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे मच्छर के अंडे ज़रूर होंगे या मच्छर ज़रूर बैठे होंगे, अगर उस पे पेट्रोल डाल दिया जाए, अगर उस पे पेट्रोल डाल दिया जाए तो वो मच्छर और उसके अंडे डूब जाते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल का घनत्व बहुत कम होता है। सोचिए हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ
डैश इन आर फ्लड। जी हाँ दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस, कोई भी आंखों का रोग है वो विटामिन ए की कमी से ही होगा, विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, और विटामिन बी की कमी से, ये तो बहुत ही बेरी बेरी। सो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? जी हाँ दोस्तों, वायु में सबसे अधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वायु में, हमारे एनवायरनमेंट में। चूहे के जहर में, जहर का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, चूहे के जहर का रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फाइड। जी हाँ दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड है चूहे के जहर का असली नाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मछली में। मछली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, ह्यूमन सेल कंटेन्स क्रोमोसोम। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों, 46, 23, 23, 23 का पेयर होता है। सो बराबर होते हैं 46। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, हड्डियों के तत्वों में ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वहाँ पे ही बनते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में जलाया जाता है, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है? CO2। सो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किस चुंबक के चुंबकीय गुण को ख़त्म करने के लिए निम्न में से किसी को अपनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये है, अगर किसी की चुंबक को ख़त्म करना हो, किसी चुंबक के चुंबकीय तत्व को ख़त्म करना हो, तो उस पर हथौड़ा चलाना पड़ता है या हीट करना पड़ता है उसको, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज डैश ऑफ डैश। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रोंकाइटिस होता है दमा, दमा होता है रेस्पिरेटरी, ये सांस का रोग है, सांस के रोग के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, रॉबर्ट बॉयल। जी हाँ दोस्तों, ये है आंसर सही, बॉयल। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सबसे सबसे मजबूत मांसपेशी है जॉ, जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र है O3, O3। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बच गया है। जी हाँ, सूर्य प्रकाश के सात रंगों का परिवर्णी शब्द क्या है? ये होता है दोस्तों विब ग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो ये सारे इसके कलर्स होते हैं। सो ये आ गया बी ऑप्शन, विब ग्योर। सो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी वीडियो आपके लिए इन फ्यूचर भी लाते रहेंगे।